दो दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान में लगाए जाएंगे लगभग 30,000 डोज। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाओं के चलते प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पूरी तरह कमर कस ली है। मूलतः अगर देखा जाए तो जिले में कोरोना वैक्सीन के पहले डोज ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन सेकेंड डोज में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। शासन प्रशासन का फोकस अब से सेकेंड डोज पर है। इसके लिए 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा डोज प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर संजय कुमार ने महाअभियान की तैयारियों को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। 25 एवं 26 अगस्त को टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 200 सत्र आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमने 16 तारीख को वैक्सीन लगवाई थी, यहाँ पे तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ना मैसेज आया है। हम यहाँ पे पूछने आए आज भी, हमने कहा हो सकता है मैसेज लटक गया हो, कहीं नहीं आया हो, आज भी देखा तो आज नहीं आया। यहाँ पे आए तो उनका कोई उचित जवाब नहीं है, कहीं CMO पे चले जाओ, कहीं वहाँ चले जाओ, ये टाल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने लगभग कितने दिनों से भटक रहा है? आज 8 दिन हो गए। मैं आपने दूसरे भी आपका भूपेन अभी आपसे एक पेशेंट ने पूछा वैक्सीन के दौरान कि प्रभारी जी कौन है, तो आपने मीडिया कर्मी का नाम ले लिया। आप सही आप आए हो, आपको पता नहीं था कि आप कि मीडिया वाले हों, इस वजह से नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि ये प्रभारी हैं? जब आया फोटो खींचे थे सर, इस वजह से मैंने कहा आप कोई हूँ, आए होंगे ऊपर से। नहीं तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपको नॉलेज तो नहीं थी ये कौन विभाग से कौन कहाँ से क्या? नहीं सर, हमें नहीं है जानकारी से कौन कहाँ से है। बुंदेलखंड टुडे न्यूज चैनल की टीम ने जागरूकता अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए टीकाकरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम देखा, जिसमें सबसे मजेदार बात यह रही कि वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों को यह तक नहीं पता कि इस सेंटर का प्रभारी कौन है। वहां मौजूद किसी एक व्यक्ति ने जब कर्मचारी से पूछा कि आपका प्रभारी कौन है, तब उस कर्मचारी ने वहां मौजूद मीडिया कर्मी को अपना प्रभारी बताया। और साथ ही वहां यह भी देखा गया कि पहला डोज लग जाने वाले व्यक्तियों को अभी तक प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।